हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट बाय पैशन में। फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कालीघाट पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर कालीघाट पेंटिंग्स। कालीघाट पेंटिंग्स में आज हम डिस्कस करेंगे कालीघाट पेंटिंग्स की हिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ द पेंटिंग्स, इन्फ्लुएंसेस, सब्जेक्ट मैटर एंड करेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में कालीघाट पेंटिंग्स के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप बड़े केयरफुली इनको स्टडी करके पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री। इन 1809 a temple in honor of the goddess Kali was built at Kalighat, a place situated 2 to 3 miles south of the center of Calcutta. The area was particularly sacred to Kali, for according to a legend, it was here about that the little toe of the right foot of Sati fell when her corpse was cut to pieces by Vishnu. So friends, आप सबको पता ही है कि सती जी जो भगवान शिव की पत्नी थी, उनके राइट फुट का टो जो है जहाँ पे गिरा था वहीं पे ये वाला टेम्पल बिल्ट किया गया है। एन अर्लियर काली टेम्पल डेटिंग फ्रॉम 16th century हैड स्टूड इन द नेबरहुड। द स्प्लेंडिड टेम्पल सून बिकम अ फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट एंड थ्रू आउट द ईयर इट वॉज क्राउडेड विद अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ पिलग्रिम्स। सो इस तरह से जो काली वाला टेम्पल है, ये तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस बन गया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। बिगनिंग ऑफ द पेंटिंग्स। अब इन पेंटिंग्स की शुरुआत कैसे हुई? इन द लेट 18th century एंड 19th century 18th century and early 19th century, professional Indian artists had been moving to Calcutta. जो professionally Indian artists थे वो Calcutta की तरफ move on करते जा रहे थे। With the breakdown of Mughal patronage, miniature painters from places such as Patna and Munshibad were settling in the city and making picture for the British. These paintings are now called company paintings. Besides Mughal painters, Indian artists belonging to a different traditional were also migrating to Calcutta. इस तरह से अलग अलग परंपराओं से related जो लोग थे, artists थे, वो time को accordingly, जैसे जैसे art develop हो रहा था और जैसे जैसे art चेंजिंग कंडीशंस की तरफ मूव ऑन कर रहा था तो वो भी माइग्रेट करने लगे। इस तरह से जो आर्टिस्ट थे वो मोस्टली कैलकटा की तरफ माइग्रेट कर गए। देयर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स विद इट्स फ्री डिस्टॉर्शंस, शार्पली लीनियर रिदम्स एंड बोल्ड कलर्स वर ऑपोजिट टू मुगल्स एंड दे एडजस्टेड लेस इजीली टू ब्रिटिश कंडीशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द पेंटिंग्स। Now we will discuss influences. The type of painting which they produced
वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल सर्कमस्टांसेस लाइक मुगल आर्टिस्ट दे क्विकली सा द एडवांटेज ऑफ वाटर कलर्स इट्स यूज फैसिलिटेटेड रैपिड प्रोडक्शन एंड सिंस मोस्ट पिलग्रिम्स begrudged paying more than one anna for a picture speed was essential if they were to learn to earn a living thin cheap paper was a useful asset wo thin cheap paper use kiya karte the with a quick sweep of the brush dramatic effects could be achieved with the far less effort than by using the former medium opaque gouache. Now we will discuss what was the subject matter of Kalighat paintings. Friends, ये questions papers में बहुत ज़्यादा papers में इस questions को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैसे कैसे सब्जेक्ट मैटर थे इनके क्या करेक्टर सिक्स थी सो आप सब्जेक्ट्स मैटर को और पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से लर्न करिएगा थ्रू आउट दिस पीरियड द ईयर्स 1832 1865 सेकुलर थीम्स अकॉर्डिंग फॉर एटलीस्ट ए पोर्शन ऑफ कालीघाट पेंटिंग्स इट इज़ नो सरप्राइज दैट डांसिंग गर्ल्स एंड कर्टिजन्स were favorite subjects. These often involved natural history allusions and accordingly creatures such as snakes, fishes, prawns, cats, mice, jackals, etc. were at times depicted. The commonest subject were Hindu gods and goddesses. For example, Mother Kali, God Vishnu, Shiva, Krishna, Parvati, etc. Also, topics from daily life happenings in law was as well as in bazaar. Wealthy zamindars, spending money on wine and women. जो अमीर अमीर ज़मींदार थे वो शराब और इन सब शराब हो गई इन सब चीज़ों के लिए मतलब दूसरे वेज में मनी को यूज़ कर रहे थे क्वार्ल बट हस्बैंड एंड वाइफ बंगाली लाइफ एट्सेट्रा करैक्टरिस्टिक्स नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वाज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कालीघाट पेंटिंग्स बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी Kalighat paintings were selling in large number. These work of arts were painted with bright colors and silver on thin. Color richness is a major quality in these paintings. Edges of sarees were emphasized with the silver dashes. Necklace and jewels were indicated with the delicate silver lines. So friends, this is all about Kalighat paintings. I hope आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा. Besides this, famous paintings of Kalighat was Bengali husband and his wife